रूस यूक्रेन की जंग में इस वक्त जो हालात है वो चौंका रहे हैं सभी को, लेकिन सबसे ज्यादा कोई चौंक रहा है तो वो है रूस। रूस जानता है कि सुपर पावर पर लगाम लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समुद्र में बादशाहत कायम करना। पुतिन जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका से मुकाबला करना है तो उसे समुद्र में कुछ बड़ा करना होगा और अपने दुश्मनों पर समंदर की गहराई से प्रहार करना होगा ताकि यूरोप और अमेरिका में त्राहिमाम मच जाए। कैसे ये सब होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट अब यूरोप में त्राहिमाम। यूक्रेन जंग के बीच बड़ी तबाही, सुपर पावर्स पर भारी। गैस पाइपलाइन, इंटरनेट लाइन, बहुत खौफनाक प्लान। खौफ के बीच ब्लू बैटल में मूवमेंट, यूरोप से अमेरिका तक हड़कंप। एक तरफ यूक्रेन की जंग चल रही है, अथाह बारूद बरस रहा है, तो दूसरी तरफ समंदर के एक बड़े हिस्से में तबाही का काउंटडाउन चल रहा है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अपनी गिरफ्त में लेने वाला है। खबर पक्की है, पुतिन के अचूक एटमी हथियारों से भरे सबमरीन को एक्टिवेट कर दिया गया है ताकि जब भी वार हो, पलटवार हो, प्रहार हो तो यूरोप अमेरिका को संभलने तक का मौका ना मिले। पुतिन का सीक्रेट मिशन समंदर से जुड़ा है। पुतिन जानते हैं कि दुनिया के शक्तिशाली देशों को हराने के लिए समंदर का सबसे ताकतवर देश बनना जरूरी है। पुतिन का नेक्स्ट प्लान बेहद घातक है। न्यूक्लियर बम के जखीरे के बाद रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यूक्लियर सबमरीन है। वैसे पुतिन ने दुनिया को कई बार एटमी सबमरीन पावर से रूबरू कराया है। अब यही परमाणु सबमरीन पाइपलाइन के एक नेटवर्क के पास देखी गई है, लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। नॉर्वेजियन एयरफोर्स ने एक्सक्लूसिव वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि रूसी न्यूक्लियर सबमरीन के पेरिस्कोप को पानी के ऊपर देखा गया है, लेकिन ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन भर है। आने वाले कुछ घंटों में यूरोप और अमेरिका की टेंशन बढ़ने वाली है। खतरा बहुत बड़ा है क्योंकि एयरफोर्स ने रूसी न्यूक्लियर सबमरीन को उत्तरी सागर में नॉर्वे की तेल और गैस पाइपलाइनों के ठीक ऊपर ट्रैक किया है। इसी रास्ते पर यूरोप और अमेरिका को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन और इंटरनेट लाइन है। तो सवाल है कि क्या पुतिन ने यूरोप को दुनिया से काटने की तैयारी की है? क्या पुतिन की तैयारी यूरोप में भीषण त्राहिमाम मचाने की है? क्या पुतिन यूएस यूरोप को घुटनों पर लाने की तैयारी कर चुके हैं? इन सवालों के जवाब भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन इतना तो तय है कि रूसी सबमरीन से अमेरिका और पूरा यूरोपीय यूनियन खौफ खाता है क्योंकि इसका एक धमाका सुनामी पैदा करने में सक्षम है। इसका एक धमाका एक झटके में सब कुछ तबाह कर सकता है। एक झटके में अमेरिका यूरोप की सप्लाई लाइन काट सकता है। एक झटके में अमेरिका यूरोप को पूरी दुनिया से अलग कर सकता है। रूस की तैयारी भी कुछ इसी तरह की है। वीडियो के एक एक फ्रेम को डिटेल में देखने के बाद नॉर्वे का दावा है कि ये यासिन क्लास और बोरई क्लास अटैक सबमरीन हो सकती है जिसमें 16 न्यूक्लियर टिप वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रखने की क्षमता है। इसके अलावा वीडियो में ट्यूपोलोव TU-142 और इल्यूशन सेकेंड 38 सर्विलांस विमानों को भी देखा जा सकता है। दावा यह भी है कि नॉर्थ अटलांटिक में नॉर्वे के आसपास सैन्य गतिविधि में तेजी आई है।
क्योंकि यूरोप में रूसी गैस के निर्यात में भारी गिरावट के बाद नॉर्वे ने रूस को ही रिप्लेस कर दिया है। अब नॉर्वे यूरोप में गैस सप्लाई करने वालों में सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। यही बात रूस को चुभ गई है। अब जंगी बिसात में एक दूसरे पर हावी होने का खेल समंदर में शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत रूस ने कर दी है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक समंदर का वो इलाका है जहां दशकों से सुपर पावर का दबदबा रहा है। जाहिर है पुतिन का संदेश साफ है कि चाहे यूरोप हो या अमेरिका, भले ही कितना भी ताकतवर हो, वो रूस से दूर रहे और पुतिन के लिए जो भी अड़ंगा लगाएगा, रूस उसे सबक सिखाने के लिए सक्षम भी है और हमेशा सचेत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।